दिनांक 4 फरवरी 22 को एक कंप्लेनेंट है कि जिसको अपने 2 करोड़ रुपए कैश उनके जो रिश्तेदार है, सहकारी है, उनके पास भेजना था आसाम में। उनको एक लेडी मिली मालाड में जिसका नाम है दुर्गा चोडनेकर। उसने उनको बताया कि एक एजेंसी है कि जिसका रेफरेंस वो दे रही थी, उनका ऑफिस है मालाड में और वो यही काम करती है कि जो कैश जो है वो पहुंचाने का काम करती है ऑन कमीशन बेसिस। एक्चुअली ये एक 7 लोगों का ये कॉन्स्पिरेसी था कि इन्होंने ऑफिस एक जो मालाड में बताया, कंप्लेनेंट को मालाड में बुलाया, उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाया, कंप्लेनेंट ने 2 करोड़ रुपए वहाँ जमा किए। दूसरे दिन जब कंप्लेनेंट वो अपने पैसे अपने रिश्तेदार के पास पहुँचे नहीं, इसलिए ऑफिस में आ गया तो ऑफिस बंद था, वहाँ कुछ भी नहीं था, ऑफिस भी बोगस निकला और ये सब जो एक्यूज्ड है वो 2 करोड़ रुपए लेके भाग गए थे। बाद में 1 मार्च को कंप्लेनेंट ने डिंडोशी पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया। डिंडोशी पुलिस स्टेशन की जो वेरियस टीम्स है उन्होंने ये जो 7 एक्यूज्ड है इनको अलग अलग जगह से ताबे में लिया। जैसा कि कलबुर्गी है उसको बेंगलोर से ताबे में लिया, अमूल कामड़े उसको धारावी से ताबे में लिया, रुपिंदर अरुवा गोवा, निसार अहमद तड़ोजा, इकबाल शेख डोंगरी और दुर्गा चोडनकर उनको कल्याण से ताबे में लिया। ऐसे 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है और 2 करोड़ में से 49,60,000 रुपया जो है ये लोगों से रिकवर किए हैं। ये जितने भी लोग गिरफ्तार किए उनमें से जो रुपिंदर है उसके खिलाफ अहमदाबाद में इसी तरह का एक ऑफेंस रजिस्टर है। सर इतना ज़्यादा पैसा किस तरह का पैसे थे और कैसे क्यों भेजना चाहते थे, बैंक से भी भेज सकते थे? वो अभी एक तो उनके पास कैश था और वो जो कैश है उनका कहना था कि कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग करना था और वो उनका कर नहीं पाए इसलिए उनके पास था और वो जो है उनको उनके रिश्तेदार के पास भेजना था। आईटी वगैरह का भी तो मामला हो सकता है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में हमने जैसा कि उनका कैश जो है चीटिंग करके या उनको उनको फंसा के जो ये जो 7 लोगों ने यानी कि चुराया था वही हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 50,000 रुपया जो है हमने रिकवर किया है।